फ्रांस को आप देखिए 75 एनर्जी% उनका न्यूक्लियर से है, लिथुआनिया जैसा कंट्री 76%, इवन यूएसए इज अप टू राइट अप टू अराउंड 20%, इंडिया इज स्टिल लैकिंग बिहाइंड एट ओनली 3.7%, एंड आई थिंक वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू हियर। फ्यूल रिजर्व्स पे मैं आता हूं, अगर हम फ्यूल, क्योंकि कोई भी बेसिक इंग्रेडिएंट, कितने पावर प्लांट्स लगा लो, कोल प्लांट्स लगा लो, कोल नहीं होगा तो क्या करेंगे। कुछ एग्जांपल दिया जी, उसमें केंद्र सरकार ने जिस तरीके से उसको शुरू किया मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं, लेकिन कुछ अंतरराष्ट्रीय शक्तियां इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में जिक्र किया, हाँ जी, हाँ कुछ एनजीओ हैं जो विदेशों में तो उन्हीं न्यूक्लियर प्लांट्स का समर्थन करती हैं और उन्हीं कंपनी और देशों से पैसा लेकर के भारत में वो एनजीओ भारत में लगने वाले न्यूक्लियर प्लांट्स का विरोध करती हैं, इसका प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जिक्र भी किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो एनजीओ के नाम पर भारत को स्वावलंबी बनाने में अड़चने डालना चाहते हैं कोई अलग अलग तरह के दुष्प्रचार करके, तो उससे भी अपने को सावधान होने की सभी भारतवासियों को आवश्यकता है। उनको पैसा तो मिलता है किसी और पर्पज के लिए, एनजीओस को, और नहीं, उसी लगा रहे हैं उसको उसी पर्पज के लिए मिलता है, दिखाते कुछ और है, वो हिडन एजेंडा है। हाँ, हिडन एजेंडा, ये हिडन एजेंडा है, वो सबको ध्यान में आना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी यहाँ बात करना चाहूंगा, बी आई ट्राई एज फार एज पॉसिबल स्टिक टू द बेसिक्स एंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। न्यूक्लियर फ्यूल रिजर्व्स की हम बात कर रहे हैं अगर, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम कितने प्लान कर लें, कितने कंट्रीज के साथ हम अग्रीमेंट साइन कर लें कि हमने इतने इतने प्लांट्स लगाने हैं, लेकिन अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो हाउ डू यू रन दोस प्लांट्स। क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट्स का एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज निकल के आता है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि कोल फायर्ड पावर प्लांट है और वो बंद हो गया क्योंकि कोल इंडिया ने कोल सप्लाई टाइम से नहीं किया या रेलवेज का कोई प्रॉब्लम था, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पे यू पुट इन अमाउंट ऑफ फ्यूल एंड इट कैरीज द प्लांट रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब आपको वो चेंज करना है फ्यूल, तो वो चेंज करना है, उसमें कोई लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम आपको आती नहीं है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू शट डाउन द रिएक्टर, रिप्लेनिश द फ्यूल एंड दैट स्टार्ट द फिशन प्रोसेस अगेन, एंड वंस अगेन द रिएक्टर अटेन्स क्रिटिकलिटी एंड यू आर ऑनलाइन अगेन। तो उसमें वो प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि क्या हमारे जो न्यूक्लियर फ्यूल रिजर्व्स हैं, झारखंड में जैसा हमें मालूम है 1,75,000 टन का हमारा रिजर्व है, और अभी रिसेंटली जो डिस्कवरी हुई है तुमल्लापल्ली आंध्र प्रदेश में, एस्टिमेटेड है 1,70,000 टन तक का, तो काफ़ी माना जाता है ये अपने आप में कि मतलब फॉरसीएबल फ्यूचर तक रादर ये हमारे अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को सस्टेन करेगा और हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं। तो हुड्डा साहब, क्या है आपका मानना इस बारे में? नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि आपने जिक्र भी किया है, मैं दोबारा करना चाह रहा हूँ कि एक ट्रक यूरेनियम का जी 10,000 ट्रक कोल के जी वो बराबर है, बराबर। तो इस समय तो बहुत सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की, और देश 10,000 नहीं, मैं मिलियन, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, हाँ। तो मतलब इस समय बहुत सख्त ज़रूरत है, और बहुत दिन से बातें हो रही हैं, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है मामला, इसको तेजी से बढ़ाने की जरूरत है, और कई लोकल इश्यूज की वजह से प्लांट को लगने नहीं दे रहे, जैसे आपने कुडाकुलम की बात की, तमिलनाडु में एक कल्पाकुलम यहाँ भी लगने जा रहे हैं, लेकिन वहां भी एजिटेशन शुरू हो गया है। तो लोगों को समझाने की जरूरत है जी, लोगों को भड़काने की बजाय उनको समझाने की जरूरत है, और लोग समझ भी जाएंगे, ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं है। बहुत कम एक्सीडेंट्स हुए हैं आज तक, उस मुश्किल से 5-4 एक्सीडेंट हुए हैं। अब जापान के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन लोगों ने सर पे कफन बांध के वो उसको ठीक करने गए सुनामी आई। तो मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है इस समय इसको, इस पे आगे तेजी से बढ़ना। लेकिन एक दूसरी तरफ मैं आना चाहूंगा, क्वालिटी ऑफ यूरेनियम माइनिंग, मैं बताता, मतलब जो क्वालिटी ऑफ फ्यूल इंडिया में अवेलेबल है, इज इट एट पार विद द, आई मीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, द काइंड ऑफ माइंस ऑस्ट्रेलिया हैज फॉर एग्जांपल। साहब की बात को मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, इनका तो बिल्कुल पक्ष ठीक है जी, इनका तो अपना भाई पॉलिटिकल है अपना भाई, बढ़िया जी। अब हमें मिल गया यूरेनियम, मैं थोड़ा साइंटिफिक उसको तरीके से देखूंगा, कभी एक ट्रक मिल जाए विल दैट सर्व द पर्पस, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं। और प्रॉब्लम ये है कि यूरेनियम जो है इसको इसको टेक्निकल लैंग्वेज में ना आइसोटोप्स बोलते हैं हम, बिल्कुल इसके आइसोटोप्स होते आइसोटोप्स हैं। एक होता है यूरेनियम 238 राइट, एक होता है यूरेनियम 235 और 235 जो है वो यूजफुल है, बिल्कुल, दैट हेल्प्स मी इन गेटिंग ऑल दीज एनर्जी बिकॉज इट इज फिसाइल, 238 इज जस्ट मेरे लिए रेत है वो, मतलब यूजफुल है बट इट्स नॉट, इस काम के लिए अच्छा नहीं है। अब क्या है, वो इकट्ठा मिल के आता है,
मतलब जब मैंने खुदाई करी या माइंस में से देखा तो मटेरियल मिला यूरेनियम है, यूरेनियम 238 जो है उसकी मात्रा तो बहुत ज्यादा है, यूरेनियम 235 है 0.7%, 0.6%, समथिंग लाइक दैट। तो अब आपने जो फ्यूल यूज करा, अब मैंने शुरू में भी बताया था कि यूरेनियम 235 को मैंने न्यूट्रॉन से हिट करना है जी, एनर्जी निकलती है जी। अब क्या होता है कि यूरेनियम न्यूट्रॉन से मैंने हिट किया, एनर्जी निकली, अब उसमें से फर्दर न्यूट्रॉन निकलने चाहिए जी, सो दैट एनर्जी तो सस्टेन करेगी, चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन है। अब वो क्या है कि जब वो एक न्यूट्रॉन के बदले में मुझे चाहिए तीन न्यूट्रॉन और निकले जी, अब वो क्या होता है 238 जो है उन तीन न्यूट्रॉन को खा लेता है, ठीक है, रुक गया काम। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो मटेरियल मेरे पास हो उसमें U235 की परसेंटेज ज्यादा हो जी। अच्छा, ज्यादा कैसे करें? ज्यादा करने के लिए टेक्नोलॉजी है, उसको हम बोलते हैं एनरिच्ड यूरेनियम। एनरिच्ड यूरेनियम इज द प्रॉपर वर्ड फॉर जिसमें जिसमें होता तो U238 है, पर जितनी मात्रा 235 की ज्यादा हो जाए, अब 0.7 तो मिली मुझे, अब यदि मैं यूरेनियम उठा के बैठ जाऊं और मैं कहूं साहब हम एटम बम बना देंगे, अब नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी मात्रा जो है 90% चाहिए एटम बम बनाने के लिए, U235 90% चाहिए। हाँ, तो उसको अच्छा ऐसे 0.7% से थोड़ा सा आगे 6-7% तक ले जाएं तो आप हम कहते हैं कि भाई ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम आ जाएगा, पावर प्लांट्स के काम आ जाता है, काम आ जाता है 6-7% तक, यू कैन यूज इट यस इन लाइट वाटर रिएक्टर्स, राइट, वो चल जाएगा। हाँ, अब आप कहते हैं साहब हम एटम बम के सक्षम हो गए हैं, आप 90% तक उसको प्योरीफाई कर सकते हैं क्या? इसको प्योरिफिकेशन रिफाइनिंग भी कहते हैं। हाँ, वही डॉक्टर साहब, मैं बात में वहीं पे वही मेरा भी कहने का मतलब यही था कि अगर हम झारखंड की माइन से जो आज यूरेनियम मिल रहा है, प्रति 1000 किलो हमें 65 ग्राम उसमें से यूरेनियम मिलता है, और वो भी यूरेनियम 238 है जिसमें से ज्यादातर 1% से भी मात्रा उसकी कम, जो फिसाइल है यूरेनियम 235 जो आपका एक फिशन रिएक्शन शुरू करता है जिससे एनर्जी पैदा होती है, वो तो है ही कहाँ। तो अब बात अगर मैं करूँ तुमल्लापल्ली में जहाँ नई माइंस की डिस्कवरी हुई है, वहाँ पे द क्वालिटी ऑफ यूरेनियम इज इवन वर्स। हर 1000 kg ओर के अंदर वहाँ हमें सिर्फ 45 ग्राम मिलता है यूरेनियम। अच्छा, एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम फ्रॉम दीज माइंस टू बी यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, द कॉस्ट इज वेरी हाई इन इंडिया बिकॉज मोस्ट ऑफ द एजेंसीज और यूनिट्स to purify this uranium are government run, in fact all are government run. तो internationally अगर हम standard देखें तो इसका cost आता है तकरीबन $80 से $130, यहां पे हमारे यहां उससे $130 से भी cross करता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि अगर हमें $130 पे भी international market से जो एनएसजी कंट्रीज हैं आज उनसे यूरेनियम मिल जाता है, सप्लाई मिल जाती है, सप्लाई की गारंटीज मिल जाती हैं, इज इट दैट कॉस्टली? आई डोंट थिंक सो। It's not that costly. अगर वो हमारी फ्यूल पावर इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज ऑलमोस्ट कमिंग टू अ हॉल्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द पावर, तो उसको अगर सॉल्व करता है तो इसमें मैं कुछ बुरा नहीं मानता। कंजम्पशन पे आता हूँ मैं, कंजम्पशन कितनी है? हमारा देश आज की तारीख में 478 टन पर ईयर यूरेनियम यूज कर रहा है, और जो हम 20 GW की बात करते हैं 2020 तक, तो ये कंजम्पशन 2000 टन तक चली जाएगी। उसमें से अगर आप 1/15 ऑफ आर कंजम्पशन अलग रख देते हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी, तब भी हमारे पास जो करंट रिजर्व्स हैं 40 से 50 साल के लिए सफिशिएंट हैं। और उसमें मैं तुमल्लापल्ली के रिजर्व्स की बात नहीं कर रहा, और भी वो अलग हैं, मिलने वाले हैं। हाँ, और भी रिजर्व्स मिलने वाले हैं, लेकिन जैन साहब प्रॉब्लम ये है आज अगर कहीं न्यूक्लियर माइंस की अगर माइनिंग भी शुरू की जाए, खोज की जाए, तो भी वहां के लोकल लोग एक जो फियर साइकोसिस है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल अगर यूरेनियम अपनी माइन में भी है, नेचुरल पदार्थ में है, वो भी वहाँ पे भी धीरे धीरे डिके करता है, इट रिलीजेस गैसेस विच हैव बीन नोन टू क्रिएट प्रॉब्लम्स लाइक लंग कैंसर आल्सो इन पीपल। ये देखने को आया पुराने जब माइनिंग अमेरिका वगैरह में होता ही हो गई थी, ठीक है ना। तो अब बात करता हूँ मैं अल्टीमेटली सेल्फ सफिशिएंसी की।
हर सरकार हमारे देश में, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जब भी आती है हर फील्ड में वो यही प्रयास होता है कि भाई सेल्फ सफिशिएंट हो, किसी पर किसी चीज के लिए निर्भर, एंड दैट इज एन आइडियल वर्ल्ड विच इज नॉट पॉसिबल रियली, क्योंकि कहीं ना कहीं एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर कंट्री, नहीं तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड वगैरह सभी बंद हो जाए तो. लेकिन डॉक्टर भाभा ये कहते थे कि एक होता है क्लोज फ्यूल साइकिल, कि वो इंडिया को अटेन करना बहुत जरूरी है. क्लोज फ्यूल साइकिल में क्या हुआ, माइनिंग, आपने अपने ही कंट्री को माइंस को डिस्कवर किया, वहाँ से फ्यूल एक्सट्रैक्ट किया, उसको आपने एनरिच किया, एनरिच करके उसको आपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बंद किया, बंद करके जो आपको फ्यूल मिलता है स्पेंट फ्यूल जिसको हम बोलते हैं उसको आप रीप्रोसेस करते हैं, रीप्रोसेस करके यू यूज इट अगेन बैक इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स. अगर ये चीज़ हम काफ़ी टाइम पहले कर लेते हैं अटेन, तो मेरा ये मानना है उड़ा साहब कि हमें यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट की शायद जरूरत ही ना पड़ती, और शायद हमें एनएसजी के थ्रू जाना ही ना पड़ता. क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं देखो, देश ने तरक्की तो की है, 1960 से प्रयास चल रहे हैं सर इस फील्ड में कि हम मतलब सेल्फ सफिशिएंसी, लेकिन वी कुड नॉट डू इट समहाउ. कहां मतलब लैकिंग नहीं, नहीं, देखो कहां, देखो ना कहां से आज हमारे पास चाइना के बराबर न्यूक्लियर प्लांट है, उनसे नहीं 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 सर, चाइना इज वे अहेड देन अस. 14 न्यूक्लियर प्लांट है चाइना के पास, 14 रिएक्टर, और हमारे पास है इस समय 20 के आसपास. नहीं, कैपेसिटी ज्यादा होनी सर, आउटपुट देखें ना, ज्यादा हो, लेकिन मैं 4780 मेगावाट हमारे 20 रिएक्टर पैदा कर रहे हैं, छोटे छोटे रिएक्टर्स हैं. और चाइना से तो मेरे ख्याल से हम कंपेयर अपने आप को ना ही करें आज के संदर्भ में. सर जब 47 में हमने आजादी पाई थी तब हम चाइना से कहीं ज्यादा आगे थे, हर फील्ड में आगे थे, चाइना वॉज नो वेयर. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से वो निकला था, जापानीज जो कैंपेन मंचूरिया में हुआ था वो सबको मालूम है, वो सब उन्होंने सहा था उस टाइम. तो चाइना वॉज लिटरली इन टैटर्स, वी वर इन अ मच बेटर पोजिशन, अ मच रिचर कंट्री, मच बिगर जीडीपी, एंड टुडे लुक व्हाट वेयर चाइना हैज गॉन एंड वेयर वी आर. चाइना की तो टेरिटरी बहुत बड़ी है हिंदुस्तान से दोगुना. सर टेरिटरी की मैं यहाँ टेरिटरी पे नहीं, रिसोर्सेज भी ज्यादा हमारे से. मैं सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी की मैं बात करना चाहता हूँ. जब नेहरू जी इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझते थे, उन्होंने इतनी तवज्जो दी, इतना जोर दिया, डॉक्टर भाभा एक एमिनेंट साइंटिस्ट, उन्होंने इस चीज़ को इतना तवज्जो दिया, उसके बाद भी आज हम जब 2012 में बैठे हैं, हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बाहर से चाहिए, हमें फ्यूल भी बाहर से चाहिए, उसमें क्या है कि फिर हम उनकी गाइडलाइंस में आ जाते हैं एनएसजी की, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स की, हमें उनकी बंदिशों में रह के काम तो करना ही पड़ेगा. इसमें जो मैं एक खास चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा, फ्यूल एनरिचमेंट और रीप्रोसेसिंग. प्रोफेसर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पे कि क्या हमारे देश में टेक्नोलॉजी है आज रीप्रोसेसिंग की. आई थिंक रीप्रोसेसिंग इज नॉट अ बिग इशू नाउ, एक बड़ा हाईली टेक्निकल प्रोग्राम है. जी जी, और उसमें बहुत अब मेरे पास तो एक्चुअली टेक्निकल वर्ड्स हैं वो फायदा नहीं है उनको बोलने का. सेंट्रीफ्यूज होते हैं विच सेपरेट दिस 238 एंड 235, गैस बेस्ड सेंट्रीफ्यूजेस वगैरह इस तरह के हैं, तो वो हमारे पास है नहीं इस तरह का. अब वो दूसरी जो कंट्रीज हैं वो ये टेक्नोलॉजी आपको देते नहीं, अब उसका आप क्या इलाज करेंगे? वो चाहते हैं हमारा फ्यूल खरीदिए. नहीं, लेकिन जो इंडिजिनस सिस्टम डेवलप किया है भारत ने, चाहे वो BHEL के माध्यम से हुआ, लॉर्सन एंड टोब्रो के माध्यम से हुआ, रिलायंस एनर्जी पावर के माध्यम से चल रहा है जी, उसमें काफी प्रगति हुई है और काफी सराहनीय प्रगति हुई है जी. और भारत में तो ये मानता हूं कि समय जो स्वदेशी तकनीक के माध्यम से इस परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी